हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में। यस दोस्तों, आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में हम लोग अभी बोल सकते हैं कि ये भी शेयर अभी बहुत बड़े रिस्क की पैटर्न में यहाँ पे आ चुका है। ऐसा क्यों, यहाँ पे क्या चांसेस है कि आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में भी गिरावटें आ सकती है, डेंजर क्यों है यहाँ पे, तो एक वार्निंग मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे जरूर देना चाहूँगा एंड प्रूफ के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ दो वीडियोज यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो दोनों वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। जरूर आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आईआरसीटीसी में भी आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, वार्निंग है, या फिर हम लोग कह सकते कि इस बात को आपको पता होना चाहिए वरना आपका लॉस हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक वजह नहीं है, इसके पीछे दो से तीन वजह है। तो सबसे पहले आईआरसीटीसी का आज का प्राइस आप देख सकते हैं, 40 रुपया डाउन देखने को मिल रहा है। प्राइस की बात करें तो 1350 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न भी आप लोग देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे गिरावट वाला था एंड बिल्कुल ब्लैक, बाद में हम लोग को फ्लैट यहाँ पे चलते हुए देखने को मिला है। हालांकि आप सभी लोग बताएं शेयर बहुत ही बढ़िया है, बट कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट इनके ऊपर आ चुका है। सो आईआरसीटीसी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा कौन सा है दोस्तों, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, यहाँ पे सीधा हम लोग आना चाहेंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसका नाम है जेएमएम फॉडलर। यस दोस्तों, अभी जेएमएम फॉडलर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है एंड अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं लोअर सर्किट लग चुका है। सो जेएमएम फॉडलर के लोअर सर्किट के पीछे का कारण है ओएफएस। आप सभी लोग बताए ऑफर फॉर सेल, उनके प्रमोटर को जरूरत थी तो उन्होंने डेफिनेटली ओएफएस यहाँ पे ला दिया है। सो आईआरसीटीसी का इसका लिंक क्या है दोस्तों, तो डायरेक्ट लिंक आप लोग जोड़ सकते हो कि आईआरसीटीसी में भी यहाँ पे ऑफर फॉर सेल लाने की कोशिश की जाने वाली है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि आईआरसीटीसी प्लान कर रहा है कि ऑफर फॉर सेल लाया जाए एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इनका ऑफर फॉर सेल अलग पैटर्न का है। मतलब आप लोग देख सकते हो प्रमोटर की हिस्सेदारी आईआरसीटीसी की 87.40 वाली है। मतलब आप सभी लोग पता है 75:25, मतलब मिनिमम पब्लिक के लिए 25 रहना चाहिए, अभी कितना है 12.60। मतलब आईआरसीटीसी को 75% तक अपने प्रमोटर की हिस्सेदारी लाने के लिए अपने शेयर्स यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के द्वारा यहाँ पे बेचने पड़ सकते हैं। बीच में यहाँ पे न्यूज़ भी सामने आई थी कि ऑफर फॉर सेल लाने के लिए आईआरसीटीसी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को वार्निंग दे दूँ, क्योंकि फिलहाल जो ओएफएस लाने का जो सिस्टम बाज़ार में हम लोगों ने देख लिया है कि शेयर को बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पर लेके जाते हैं एंड उसके बाद ओएफएस यहाँ पे लाया जाता है। एंड ये अभी आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा क्योंकि जेएमएम फॉडलर में भी ऐसे ही देखने को मिला। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की भी बात करें तो 1200 तक वो स्टॉक लेके चले गए, उसके बाद 1001 रुपये का ओएफएस लेके आए और डिस्काउंट देके रिटेल कैटेगरी 950 के आसपास ओएफएस लेके आए। सो सेम चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि अभी इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है तो क्यों ना हम लोग आईआरसीटीसी के ऊपर भी यहाँ पे डाउट खा सकते हैं। मतलब आईआरसीटीसी आप देख सकते हो 1350 पे चल रहा है, अगर यहाँ पे किसी को ओएफएस लाना है 1500 के आसपास तो डेफिनेटली ये स्टॉक को भगा के 1800 तक लेके जा सकते हैं एंड उसके बाद वो 1500 तक भी ओएफएस ला सकते हैं। ऐसा बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा क्योंकि अभी मार्केट में फिलहाल ऐसे सिचुएशन के हिसाब से ओएफएस लाने का ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं जो रिटेल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने अभी चीज़ें देखी है उसके मुताबिक अभी आईआरसीटीसी में भी हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज़ें हो सकती है। मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस इस लेवल पर भी देखना ये एक्चुअल में एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लियर कट इनका बिजनेस हम लोग कह सकते हैं ऑपरेशनल वाइज यहाँ पे चल ही नहीं रहा है। मतलब 100% इफिशियंसी के साथ अगर बिजनेस चलता है तो हम लोग उसको बिजनेस बोलते हैं। अगर मैं अभी बात करूँ तो 1/10 मतलब सिर्फ 10% आईआरसीटीसी का यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। अभी हाल ही में कुछ ट्रेनें स्टार्ट की, वो बात अलग है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो आईआरसीटीसी जो पहले प्रॉफिट में चलने वाली कंपनी थी वो इस वक्त हम लोग को 25 करोड़ के इसमें कितना 25 करोड़ इनका रिजल्ट हम लोगों को सब कुछ बोल चुका है कि ये कंपनी लॉस में चल रही है। आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट ने खुद बोल दिया था कि क्वार्टर वन छोड़िए क्वार्टर टू में भी हम लोगों को शायद से स्ट्रगल करने को ही पड़ने वाला है एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमारा बिजनेस नॉर्मलाइज कब हो जाएगा सो आपको लिए उसको अक्टूबर मतलब मैं रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ तो Q3 और Q4 में वो एक्सपेक्ट कर रहे कि हमारा बिजनेस नॉर्मल हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में भी आप लोगों ने तुरंत यहाँ पे अलर्ट
रहना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ, शेयर के प्राइस में गिरावट आ सकती है, बट OFS लाने के लिए शायद से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो बिल्कुल आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। एंड ऐसे एक दो एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और ऐसे अनगिनत चीज़ें अभी मार्केट में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। वापस कहना चाहूँगा, कुछ लोगों के दिमाग में एक गलत मिस कंसेप्ट यहाँ पे बैठ चुका है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि OFS मतलब कंपनी बर्बाद नहीं, OFS मतलब सिर्फ वो अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं। अभी ऑब्वियसली उनको प्राइस ज़्यादा चाहिए तो वो शेयर का प्राइस ऊपर लेके जाते हैं ऑपरेटर्स, एंड उसके बाद वो नीचे लेवल पे हम लोगों को बेचते हैं। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि उसी दाम में वो यहाँ पे क्या करते हैं, बेचते हैं। मतलब मैं अगर आपको आसान भाषा में बोल दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक यहाँ पे जूता यहाँ पे रखा हुआ है जिसका प्राइस 100 रुपया है, कोई वो खरीदेगा नहीं, राइट। अगर वही जूते को अगर मैं यहाँ पे 200 रुपये लिख दूंगा, कट करके लिखूंगा 50% डिस्काउंट एंड 100 रुपया, तो यहाँ पर खरीदने के लिए लोगों की भीड़ आ जाती है। सो सेम चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल OFS में होती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्राइस वही रहता है, वो हाई लेवल पे लेके जाके आप लोगों को डिस्काउंट पे यहाँ पे बेच देते हैं। सो यही कहना चाहूँगा कि IRCTC में भी आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो बस यही एक मेरा मानना था जो कि मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो के माध्यम से बता दिया है। NSE की ऑफिशियल वेबसाइट की यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीज़ें तो देख ली, कोई भी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग गिरवी तो नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर इनके सारे शेयर्स है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें मतलब 22 सितंबर की, तो यहाँ पे क्या चल रहा है हलचल, तो वो देख लेते हैं। मैंने क्लिक कर लिया है तो आप देख सकते हैं 22% के आसपास हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरीज भी उठाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी ख़राब नहीं, मैं वापस कहना चाहूँगा, बट यहाँ पे जो एक प्रोसीजर रहता है, मैं अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप लोगों के सामने एक चार्ट पैटर्न ओपन होगा। डेट दिखाना चाहूँगा, 18 अक्टूबर 2019 से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। 19 मतलब 20, 21 एंड 22 मतलब 2022 तक, अक्टूबर 2022 तक IRCTC के मैनेजमेंट के पास पूरा टाइम है, प्रमोटर के पास पूरा टाइम है कि वो अपनी हिस्सेदारी को तब तक वो बेच सकते हैं। मतलब 75 तक उनको यहाँ पे लाना है, वो कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो 10 दिन में भी कर सकते हैं या फिर आने वाले 2 साल के बाद भी वो यहाँ पे कर सकते हैं। बट आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, ये एक सिग्नल यहाँ पे मैंने दे दिया है। GMM फॉर्डलर की बात अलग थी, वहाँ पे तो 75:25 का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बट यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के रिजल्ट ये ऑलरेडी स्ट्रगलिंग वाले आ चुके, एंड Q1 के साथ साथ Q2 के भी इतने खास यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हायर लेवल पे IRCTC का शेयर प्राइस को दौड़ाया जा सकता है, एंड शायद से वहाँ पे ऑफर फॉर सेल लाके आप लोगों को वो हायर लेवल पे माल बेचने की चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। सो इसलिए मैंने कहा है कि आप लोगों ने अलर्ट रहना है, फाइनल डिसीजन क्या रहेगा वो आप ही के ऊपर मैं यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। कंपनी इससे ख़राब नहीं होती, मैं वापस कहना चाहूँगा कि मैं कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। कंपनी A1 क्वालिटी की कंपनी है, इसके जैसी कंपनी आप लोगों को बाजार में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी, कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं। बैलेंस शीट की बात करें तो 907 करोड़ के रिजर्व से, आउटस्टैंडिंग रिजर्व से। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का कोई कर्जा है तो 1 रुपये का भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म के कर्जे की बात करें तो वो भी देख लेते, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का शॉर्ट टर्म का भी कर्जा नहीं है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, थोड़ा हम लोग नीचे आ जाते तो आप लोग देख सकते पहले 833 करोड़, 1140 करोड़ एंड लगभग 1300 करोड़ का कैश कंपनी के पास है। तो सीधा सीधा बोलना चाहूँगा कंपनी 5-स्टार कंपनी है। सिर्फ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे कब बिकवाली होगी प्रमोटर की, इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम लोग 1300 पे खरीदे, कल OFS यहाँ पे 1000 के आसपास आ जाए तो ये शेयर बहुत ही नीचे आएगा। उसी के साथ साथ ये शेयर शायद से भगाया भी जा सकता है ऊपर, एंड बाद में नीचे लेवल से डिस्काउंट करके OFS वापस लाया जा सकता है। अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें ये खेल समझ में आ चुका होगा कि कैसे यहाँ पे OFS मैक्सिमम टाइम ऐसे यहाँ पे लाया जाता है, जो कि HAL में भी देखने को मिला, GMM फॉडलर में भी देखने को मिला, और एक दो कंपनी थी उनमें भी इसी प्रकार का OFS हम लोग को लाते हुए देखने को मिला है। सो मेरा मकसद सिर्फ आपको अलर्ट करना था, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और जाते जाते यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट खराब आने के बावजूद हम लोग को IRCTC में यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिली, मतलब जो एक्सपेक्टेड थी। आप लोग आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे शेयर नीचे आया था डेफिनेटली अच्छी बात है, यहाँ पे जो रिकवरी हम लोग को देखने को मिली, इतना साइडवेज पैटर्न में यहाँ पे स्टॉक चल रहा है कि स्टॉक नीचे गिरने के लिए 2 बार नेगेटिव न्यूज़ आ चुके। कंपनी के Q4 के नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे, Q1 में तो सीधा सीधा लॉस था, फिर भी ये शेयर उस बॉक्स को तोड़ के नीचे यहाँ पे नहीं आ रहा है। शेयर में हम लोग को रैली भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही, उसके तो चांसेस बहुत ही कम है, राइट, क्योंकि जब तक कोरोना है, पब्लिक गैदरिंग की अगर हम लोग बात करें, भीड़ जहाँ पे इकट्ठा होती है रेलवे, आप सभी लोगों को पता है। सो डेफिनेटली IRCTC का शेयर प्राइस मतलब शेयर की बात करें तो ये मेरा पर्सनली फेवरेट शेयर है, बट फिलहाल अब हम लोग बात करें तो डेफिनेटली ये सस्ते दाम में मिलना चाहिए, ऐसे कंडीशन में फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। सो मेरा बताने का मकसद यही था कि IRCTC में भी आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। एंड वीडियो को क्लोज करने से पहले और एक आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना
कि ऐसे कौन से कंपनी है जहाँ पे शायद से कभी भी OFS आ सकता है, ऐसे कंपनी में आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग भी यहाँ पे अलर्ट रह सकते हो। सो ऐसा वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूँगा फटाफट जितनी भी कंपनी है पॉपुलर कंपनियाँ उनके नाम मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, जहाँ पे कभी भी OFS ऐसे ला के डिस्काउंट पे शेयर नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे रिटेल निवेशकों का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। सो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इसी टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश मैं कर दूंगा। सिर्फ नीचे येस भी लिख दोगे तो भी यहाँ पे मैं समझ जाऊँगा। सो फिलहाल जो मेरा मेन मकसद था IRCTC के शेयर के लिए वो यहाँ पे मैंने बता दिया। माफ़ कीजिएगा मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, बट इसका अर्थ मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा, ये शेयर ख़राब है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि प्राइस का मैनिपुलेशन यहाँ पे हो सकता है, जो कि अभी आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसके लिए ये अलर्ट का वार्निंग यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। सो आई होप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।